बाबू का तो उम्र कम है अभी, तो तो उम्र कम है तो अभी आपको तो सोचना चाहिए कि 10वीं क्लास में है, मतलब उधर से पूरा जिद बांध के रखे हैं कि अपना बहन दे दीजिए, हम लोग शादी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं, बहुत ही अच्छी, अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी एकदम बढ़िया तरीके से 26 जनवरी का तैयारी चल रहा है। तो सभी को 26 जनवरी आप लोग कमेंट में लिख देना, इधर है पापा जी, पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, इधर है मम्मी, मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो, मास्टर गुड मॉर्निंग, मेरे बेटा बेटी मेरे भाई बहन जितना देख रहे हैं, 26 जनवरी को एकदम झंडा लहराते, एकदम भरपूर आशीर्वाद है मम्मी की तरफ से। सनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुस्सा मम्मी मारी थी इसके लिए, मम्मी आ भी गई इधर, जा 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 भाई की चुगली करता भाई का और पीटेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बनाया खाने में सुहानी? दाल चावल चोखा। सवेरे सवेरे पापा जी तो काम पे चले गए हैं, सुहानी थोड़ा सा गुस्सा थी तो हम लोग खूब बनाए धनाए हैं, तब जाके ब्लॉग स्टार्ट किया, बस मस्त अभी वीडियो का एडिटिंग कर दिया, अपलोडिंग पे लगा दिया, तो अपलोड हो रहा है, देख सकते हो 3 GB का है, और आज हमारा बैलेंस भी खत्म हो रहा है, तो बैलेंस डलवा देंगे। और इधर आपकी प्यारी मम्मी जी खाना बनाई है, चावल दाल चोखा। मम्मी खाना खाई आप? हाँ खा ली। सुहानी पढ़ने चली गई? हाँ, कुछ ये रहा खाना, उस साइड अपना वीडियो भी अपलोड हो रहा है, खाना भी खा लेते हैं, और आइए आप सभी लोग मिलकर के खाना खा लीजिए, दाल है, चावल है, चोखा है, मस्त वाला खाना में, आइए सभी लोगों को निमंत्रण कर, देख सकते हो आपके प्यारे मम्मी जी चारा बना रही है बकरी के लिए, लेकिन बकरी महाराज जी है नाटक करने में लगे हुए हैं, खाते ही नहीं है, इतना स्पेशल चारा है। किसी और को नहीं मिलता होगा खाने के लिए, इस गांव में काफी सारी बकरियां हैं, इसी को स्पेशल मिलता है। की धूप निकल चुका है अभी, सुहानी बहन पढ़ के आएगी तो थोड़ा रील्स वगैरह शूट करेंगे, फिर हो सकता है भैया आने वाले थे जिस दिन आए थे उनके साथ रील शूट करेंगे। अच्छा तो गाइज अभी जीजा जी आए हुए थे हमारे, दीपक जिया जी जो हमारी पूजा दीदी हैं, जो घर भर में सबसे एकदम ब्यूटीफुल देखती हैं, गोरी गोरी हैं, है ना, तो अभी आए अचानक से चले गए, व्लॉग भी नहीं बना पाए, लेकिन बड़ा बुरा लग रहा फील हो रहा है कि दीदी नहीं आई यहाँ पे, सिर्फ जीजा जी आए थे, है ना, दीदी को याद करने लगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाना भी नहीं खाया, बेटी मेरे नहीं आए, दामाद तो आ गए ना, नाती नातनी सब आता था, घर भर जाता है अभी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा चलिए अब घर में देखते हैं, आराम आराम करते, सुहानी भी पढ़ के नहीं आई है और इवनिंग के 3 बजने वाला है, सोचिए। तो आप इधर देख सकते हो आपकी प्यारी बहन सुहानी पढ़ के आ चुकी है, आज क्या हुआ पढ़ाई में? पढ़ाई में आज अति वाला हुआ था पढ़ाई, संस्कृत का जैसे मिली, देखे थे तुमको, पहचान लिए थे, तो बात की उनसे, वाह तब तक जीजा जी मिठाई लेते तो हम खा लेते हैं, ठीक है। किसी को लालच तो नहीं, अपना तो नहीं दिए थे, इसीलिए हम लेके आए थे, मिले लो खा लो, एक उठा लो इधर वाला पीला वाला उठा, ले लो ले लो ले लो, खा लो खा लो खा लो, अच्छा लो लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा जाओ, हाँ छोटी बहन इसलिए खिला देते हैं, नहीं तो हम नहीं खिलाते हैं, ऐसे रखा हुआ है तुम्हारा हिस्सा का, ठीक है चलो मम्मी घर में चलो, अभी पढ़ के आई हो तुम, बताओ हम अपना हिस्सा भी खिला दिए तुम्हें, फिर भी मांग रही हो कि और मिठाई खाना है, हाँ पहले खाना खा लो फिर मिठाई खाना, जाओ 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 जाओ। कहाँ मिले थे जिया जी तुम्हें? पुल पे। कौन सा पुल पे? हुलासी पुल पे। तो गाइज हम मम्मी सुहानी जा रहे हैं आज मार्केट घूमने के लिए, काफ़ी दिन बाद इधर रहे हमारे प्यारे से स्कूटी खुशी, वहाँ रही सुहानी, इसका नाम खुशी है वो सुहानी, दोनों सखी बहन पा। तो अभी कहाँ जा रहे हैं मम्मी, क्या चीज़ लाने के लिए अभी? हाँ तिरंगा वाला कपड़ा, सुहानी को तिरंगा वाला कपड़ा लाने के लिए जा रहे बाजार। हाँ और फ़ोन का मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया, वो भी करवा लेंगे, बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट घूमेंगे वापस चले जाएंगे दुकान। तो गाइस फाइनली दुकान में पहुंच चुके हैं, जो हमारा पत्थरघाट का सबसे बड़ा मार्केट दुकान कह सकते हो, देखो मॉल टाइप का है ये हमारे लिए, इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी बैठ गई, इधर मम्मी बैठी हुई है,
और भैया जी को बोले हैं कि अभी है नहीं तो मंगवा रहे हैं वो कपड़ा सुहानी के लिए सिर्फ, है ना। सुहानी डांस करेगी, डांस करने का इसको बड़ा शौक है, इसलिए हम मॉल में घूमते हैं। चलो तो मॉल यही है। हाँ यही तो छोटा सा। सो सैड, कपड़ा यहाँ है ही नहीं, कैसे मंगवा नहीं सकते हैं। और 26 जनवरी पहनता है सब, इसी से नहीं लेता ना इसीलिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है नेक्स्ट टाइम में देखते हैं दुकान में। ठीक है चलो मम्मी, चलो। मार्केट गए थे लेकिन निराश होकर वापस आ गए, जो कपड़ा लेने गए वो मिला ही नहीं, तो हमने सोचा कि वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है, और कुछ ऐसा त्यौहार भी नहीं जो मार्केट आप लोगों को घुमा सके। तो फिलहाल अभी घर आ चुके हैं, मम्मी जी भी रास्ते में कोई काम से वहीं रुक गई थी। खुलो दरवाज़ा खुलो। तो गाइस अभी हमें वीडियो शूट करना है, तो आपको पता है जब कोई कैमरा नहीं पकड़ पाते हैं तो सामने से मम्मी जी रहती तो सामने ऐसा फ़ोन करके वीडियो बना लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे फ़ोन रख करके आराम से अपना वीडियो को शूट करते रहते हैं। इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी मेकअप करने में लगी हुई है देखिए, क्योंकि पापा काम पे गए हैं, मम्मी कहीं कहीं थोड़ा पैसा वाला थोड़ा लोन वोन लेती है ना वहाँ पे, क्योंकि 10 रुपया जमा किया जाता है तो वहीं छोड़ देते मम्मी को, तो वहीं पे गई हुई है। तो गाइस अभी जो है हम जा रहे झाड़ू लगाने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, छत पे पूरा जो है झाड़ू लगा देते हैं, फिर नीचे भी लगाएंगे सारा घर में। और अभी बर्तन भी धुलना है और फिर धुल के खाना बनाना है और बना के सबको खिलाना है। तो अभी जा रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और वहाँ पे देखो हमारी बकरी जी को, और वहाँ पे देखो हमारा खरगोश को, ये रहा वो देखो, और वहाँ पे हमारा तोता को देख सकते हो आप। मम्मी आज बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, पता नहीं क्या बनेगा खाना। ये देख सकते हो हमारी प्यारी सी मम्मी जी जो है अभी लगा रही है पर्दा, आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इधर देख कर बोलो, इधर देख कर तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमें ये वीडियो दूसरा फोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी जी हमारा पर्सनल नंबर जो है, जब सुहानी को देखने के लिए लड़के लोग आए थे मतलब लड़का वाले, तो ऐसा सीन है कि मेरा ही नंबर दे दिया है, अब बोले शाम तक कॉल करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मिस कॉल आया हुआ था तो हम उठाए नहीं, जानबूझ के नहीं उठाए, मतलब सच बताया तो बात करने का मन नहीं था, लेकिन अब देखते हैं दोबारा कॉल आएगा तो हम बात करते हैं। मतलब उधर से पूरा जिद बांध के रखे हैं कि अपना बहन दे दीजिए, हम लोग शादी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और इसमें अच्छे तरीके से क्वालिटी भी नहीं आ रहा, फिलहाल कॉल आ रहा है, एक मिनट रुके। प्रणाम 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 जी, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं पहले बताइए तो आप। अच्छा बछवारा से, बछवारा कौन पड़ता है, इधर पड़ता है। अच्छा जी बोलिए, बाबू का तो उम्र कम है अभी, तो उम्र कम है तो अभी आपको तो सोचना चाहिए कि 10वीं क्लास में है, साल भर देखिए, अभी साल दो चार साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि देखिए अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है, ग्रेजुएशन फाइनल करेगी, तो आप वेट कीजिएगा तभी ना शादी का विचार किया जाएगा। जी जी, जी, जी। तो अभी पापा हैं, मम्मी हैं, पूरा घर में, तो सब लोग विचार करेंगे, सब लोग बात स्पर्श रखेंगे। अब उस दिन आप लोग आए घर पे, हम सेवा खातिरदारी भी नहीं कर पाए, हम थे भी नहीं घर पे, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं फैमिली ब्लॉग, तो आपको पते हैं। जी जी ठीक है जी। ऐसे जो बोले ना, जब को राजा नहीं है घर पर, हम कैसे क्या हाँ ना बताएंगे, तो नाश्ता पानी भी नहीं किए। अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार आएंगे तो ठीक बात करें, तो हम बोले कि लाइव वीडियो में ही बात करेंगे और सभी लोग को दिखाएंगे, है ना, पहले पढ़ो लिखो तुम। हमारे घर में समझे कि तो भगशाली है, जे देखो लड़का वाला मेरे, हम जाएंगे क्योंकि लड़का वाला के दरवाजे पर, कि लड़का वाला खुद चल करके आते हैं। बिल्कुल, जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं तो रागनी वाला में भी यही हो गया, जैसे वो वायरल होने के बाद जैसे हम वायरल हुए, हमारा चैनल वायरल हुआ, तो लोग देखते हैं कई प्रकार के, तो हमारे रिलेटिव के भी लोग देखते हैं, तो उससे उसके बाद क्या होता है मम्मी, तो हमारे रिलेटिव के भी लोग देखते हैं हमारा वीडियो, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है ना कि उनके घर में हम रिश्ता जोड़े, पर हम लोग वीडियो बनाते हैं और पता नहीं क्या है उन लोग, हम लोग में क्या देखते हैं, अभी इतनी छोटी सी बच्ची है, अभी हम बिल्कुल भी नहीं शादी के लिए सोचे थे, और रागनी का भी शादी करने के लिए बिल्कुल हम खिलाफ थे, मम्मी से लड़ गए थे, पापा से भी लड़ गए थे हम, लेकिन उनका भी शादी किया गया, लेकिन गांव का ऐसा नियम है हमारा, रोने का ऐसा मुंह बना लिया। तो गाइस अभी हो चुका है रात का टाइम, इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी गरम गरम चाय बना रही है। रुसी रुसी ना कर मेरी छोटी छोटी बहना, मोटी मोटी बहना, आज गुस्सा है ना सुहानी। इधर पापा जी आ चुके हैं काम से,
देख सकते हो पूरा लाइट एकदम लगा हुआ है। मम्मी इधर खाना बनाने में लगी हुई है, आटा साना जा चुका है। मम्मी थोड़ा सा गुस्सा थी, रिचार्ज करवा ली थी इसीलिए पैसा को लेकर के, है ना मम्मी? गुस्सा नहीं गुस्सा देती हूँ मम्मी, फोन मार बैठे कुर्सी एकदम अथी स्कूटी में बैठो ना कि पापा समझे, और वहाँ से गुस्सा में एकदम भागा चल गया, भागा एकदम पिन पिनाई थे एकदम मिर्चिया की तरह। बैठना मम्मी के, बैठना मम्मी के, हम कह रहे थे कि हम दे देंगे 399 का रिचार्ज हो रहा था, तब भी नहीं सुन रहे थे। पापा बात किए थे, वो लड़का वाला फ़ोन किया था ना आज, बात किए थे आज, है ना? आप नहीं थे तो हो सकता है कल परसों में आप भी बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, बहुत जिद कर लिया था एकदम शादी को लेकर ना मम्मी, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस यहाँ पे जो है पापा जी आ चुके हैं काम से, और यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और मम्मी जी जो अपने हाथों से पापा जी को मिठाई खिलाएंगे। कौन आए थे मम्मी मिठाई लेकर के? दामाद आए थे, मतला दामाद आए थे मिठाई ले, मम्मी से भी मिले थे और हमसे भी मिले थे, फिर चले गए। ये देखिए अभी मिले थे तो मिठाई खा लिए पहले सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए अभी खिलाएंगे पापा को मम्मी, खा लो जल्दी खा। हाँ ये दान दे रही हूँ मम्मी, खा लीजिए, दे आ रहे हैं राजा। भैया यहाँ पे देखिए आपके लिए मम्मी मिठाई निकाल कर रखी हुई है। अच्छा ठीक है ठीक, वैसे हम सुबह खाए थे, खा 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 खा। हाँ आप थोड़ी देर में हम लोग व्लॉग को एंड करेंगे गाइस, नहीं खाइए खाइए पापा को दीजिए आप खाइए। तो आई होप दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतने, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में स्टाइड जाके फॉलो कर लीजिए, और ऐसे भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। अभी जो है लड़के वालों ने कॉल किया था तो उनसे बात कर लिए हैं, अभी हम लोग का शादी करने का कोई सा भी प्लान नहीं है सुहानी सिस्टर को लेकर के, क्योंकि रिसेंटली अभी भाभी जी आपकी आने वाली है तो उनके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, है ना पापा? तो उन पापा बोले कि ब्लॉग में बोल दो ऐसा सीन है, और साथ ही साथ अभी हम कहीं अलग निकलने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि छोटा सा क्लिप में व्लॉग को एंड कर ले। तो चैनल पे नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट, आदेश से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अपना कीमती वो निकाल कर मेरा व्लॉग को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।